हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्त सिंपो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके मैं खुद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितना भी सिंपो यूज किया है वो सभी मेरे एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं उतरा है। हमेशा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। काफी रिसर्च के बाद एंड फिट ट्यूबर के ऊपर बिलीव करके मैंने ये एक्सियम मुक्ति गोल्ड शैम्पू लिया था और इसे रिसेंटली भी यूज कर रही हूँ। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड काफी हद तक मैं इस शैम्पू से कन्विंस भी हूँ और ये वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है जो मैंने यूज किया है। बट कुछ ही दिन पहले मैंने स्मिटन का ये 6 ट्रायल पैक ऑर्डर किया था और उसी में मैंने बिना सोचे समझे ही जस्ट हर्ब का सोया प्रोटीन शैम्पू भी लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको लेने के टाइम ना मैंने इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखा था, ना ज्यादा कुछ सोचा था, बस दिमाग में था कि एक अच्छा ब्रांड है और अच्छा कंपेयर वीडियो हो सकता है। सो आज मैं इन दोनों शैम्पू का कंपेयर करूंगी और आज का कंपेयर बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने वाला है। दोस्तों ये कंपेयर प्राइस, इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा एंड ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं एक्सेप्ट करूंगी जो मैंने एंड आई थिंक फिट्यूबर ने भी गलती किया है एक्सियम मुक्ति गोल्ड शैम्पू के साथ। तो दोस्तों इन सबको एक्सप्लेन करूंगी, सो बिना देर करे शुरू करती हूँ। तो कंपेयर शुरू करते हैं प्राइस से। दोस्तों एक्सियम मुक्ति गोल्ड हर्बल वॉश का प्राइस है 500 ml का 178 rupees। और प्राइस वाइज ये बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड जस्ट हर्ब सोया प्रोटीन शैम्पू का प्राइस है 200 ml का 487 rupees। इतना महंगा आखिर क्यों? आखिर इस शैम्पू में डाला क्या गया है? और इन सब सवालों का जवाब के लिए हमें इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना पड़ेगा। बट सबसे पहले देखेंगे एक्सियम मुक्ति गोल्ड का। इसमें यूज हुआ है हरद, कोकोनट ऑयल, सिखा काय, नागर मोथा, ब्राह्मी, नीम और भी इनके जैसे 19 हर्ब का यूज हुआ है इस शैम्पू में। एंड इस शैम्पू में फोमिंग एजेंट है रीठा और इसका अमाउंट है 28%। और इसमें प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट तो ऑसम है एंड यही इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे इस शैम्पू के ओर इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है और शायद फिट्यूबर को भी। सो इसके बाद देखते हैं जस्ट हर्ब शैम्पू का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें यूज हुआ है आंवला, हिबिस्कस, नीम एक्सट्रैक्ट, वेटिवर एक्सट्रैक्ट और भी इनके जैसे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट। देन इसके बाद इसमें यूज हुआ है डीजल ग्लूकोसाइड कोकोमीटा प्रोपाइल B10, सोडियम लोर ऑयल ग्लूकोसाइड हाइड्रोप्रोपाइल सल्फोनेट, डी सोडियम कोको M4D एसिटेट, पोटेशियम सोर्बेट, सोडियम ग्लूकोनेट। और कोकोमीटा प्रोपाइल B10 का साइड इफेक्ट है, इससे पहले मैंने हर एक वीडियो में बोला है एंड इस वीडियो में भी बोलूंगी, चाहे इसको नेचुरली ड्राइव किया गया हो फिर भी इसका साइड इफेक्ट होगा एंड इसीलिए ये शैम्पू मेरे टॉप 5 शैम्पू के वीडियो में नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 5 शैम्पू कौन सा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी सब केमिकल इंग्रेडिएंट सेफ है, आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्रेडिएंट वाइज ज्यादा बेटर है एक्सियम मुक्ति गोल्ड शैम्पू। पर दोस्तों मैंने पर्सनली इन दोनों ही शैम्पू को यूज किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग कह रहा है एंड एक गेम भी यहीं पे ही चेंज होता है। सबसे पहले पिक्चर देख लो दोनों शैम्पू यूज करने के बाद कैसा लग रहा है, और पिक्चर देख के आप लोग भी फर्क समझ ही चुके होंगे। दोस्तों जस्ट हर्ब का ये शैम्पू यूज करने से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा भी बाल कभी ऐसा हो सकता है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मेरा बाल ड्राई एंड फ्रीजी है एंड सपनों में मैंने जैसा बाल देखा था आज मेरा बाल बिल्कुल वैसा लग रहा है। दोस्तों दोनों शैम्पू यूज करने के बाद कितना हेयर फॉल हुआ है मेरा ये पिक्चर देख लो, और देख के समझ ही चुके होंगे इस अकॉर्डिंग भी जस्ट हर्ब ज्यादा बेटर है। बट दोस्तों दोनों ही शैम्पू यूज करने के बाद डैंड्रफ में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा है एंड एक्सियम मुक्ति गोल्ड के पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही बोला था और जस्ट हर्ब में भी कोई फर्क नहीं है। बट इतने कम टाइम में इसको इतना ज्यादा जज करना मेरा ठीक नहीं है। डैंड्रफ एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है और इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो इसीलिए मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट जस्ट हर्ब को ही विनर चूज किया है। दोस्तों ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस
और इसमें क्लियर विनर है जस्ट हर्ब सोया प्रोटीन शैम्पू। यार तो कौन सा गलती का बात कर रही थी वो भी बताना। हाँ इसके बाद वही बोलने वाली थी बट तुम्हें तो चैन नहीं है। दोस्तों एक्सो मुक्ति गोल्ड शैम्पू को लेके मैंने और फिट्यूबर ने शायद एक ही गलती किया है और हमारा गलती है इसके ऊपर हमने कुछ जल्दी ही ट्रस्ट कर लिया है। उनका तो पता नहीं बट मुझे थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। इसको जज करने में थोड़ा सा जल्दी कर दिया है मैंने क्योंकि रिसेंटली मैं इसको यूज करके उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। अब इसको यूज करके मेरा हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही हो रहा है एंड हेयर पहले से भी ज्यादा फ्रिजी लग रहा है। और अभी मुझे अगर कोई इसको दोबारा यूज करने को बोलेगा तो मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली हूँ। पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था मैं इसको दोबारा जरूर यूज करूंगी बट दोस्तों इसको लेके मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया था इसको जज करने में। बट दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में एक कॉमेंट आया था आप लोग भी देख लो और इनके एक कमेंट में दम है। कहा है इसके और बाकी 39% इंग्रेडिएंट। इसके सब इंग्रेडिएंट के वैल्यू ऐड करके 61% ही हो रहा है तो इसमें क्या 39% वाटर है या केमिकल है जिसको हमसे छुपाया जा रहा है। एंड ये दूसरा गलती है जो मैंने किया है और शायद फिट्यूबर ने भी। मे बी मेरा ही थिंकिंग रॉन्ग हो सकता है बट ये सोचने वाली बात तो है। सो इस कम्पेयर में प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सियम मुक्ति गोल्ड शैम्पू विनर है बट इंग्रेडिएंट वाइज इसके ऊपर मेरा डाउट रह ही जाता है। और दूसरी ओर जस्ट हर्ब के इंग्रेडिएंट लिस्ट कंप्लीट है एंड इसमें सिर्फ कोकोमीडा प्रोपाइल बीटेन ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका साइड इफेक्ट है और पर्सनल एक्सपीरियंस में विनर जस्ट हर्ब ही है। तो दोस्तों बोला था ना रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग होगा। सो आज यही तक। पसंद आया हो तो लाइक करना और इस टाइप के प्रोडक्ट कंपेयर वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।